हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कराएंगे धारा का चुंबकीय के प्रभाव पार्ट वन यानी कि थ्योरी। ठीक है, आज की वीडियो में थ्योरी कराई जाएगी एंड नेक्स्ट पार्ट टू में आपको इसके सल्यूशन कराए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक में से आपको 100% एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, पहले सबसे पहले इसकी थ्योरी समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम अपनी भौतिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब तक हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा के बारे में। अब हम इसका चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। धारा का और चुंबक का क्या रिलेशन होता है, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ जैसे कि प्राकृतिक कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो देखेंगे। जैसे कि प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाया जाने वाला एक तरह का पत्थर होता है, जिसमें कि लोहे के जो पार्टिकल होते हैं, लोहे के कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको आकर्षित करने का गुण होता है। मतलब इसमें गुण होता है लोहे के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का, और ये प्रकृति में पाया जाता है। जैसे कि इसका जो उदाहरण है वो है Fe3O4। ये लोहे का ही ऑक्साइड होता है Fe3O4, जिसमें कि ये Fe जो है ये लोहा है और ये ऑक्सीजन, इसमें लोहे का ऑक्साइड है ये Fe3O4। तो इसमें गुण होता है कि लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का, ये प्रकृति में पाया जाता है, तो इसलिए इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और अब जो हम सेकंड डेफिनेशन अपनी देखेंगे वो है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक भी एक चुंबक ही है जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है। ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये मानव द्वारा बनाया जाता है। इन दोनों में यही अंतर होता है, प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाया जाता है और कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो दूसरा डिफरेंस है, दूसरा जो अंतर है इनका मेन, वो है कृत्रिम चुंबक ज़्यादा स्ट्रोंग होता है इसके मुकाबले प्राकृतिक चुंबक के। मतलब कि ये लोहे के पार्टिकल को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है, ज़्यादा बल से, जितना कि प्राकृतिक चुंबक नहीं कर सकता। तो ये इसमें दो मेन अंतर हैं इनके। इसके जो उदाहरण हैं वो जैसे कि नाल चुंबक या फिर चुंबक या सुई, ये सब हैं। इसमें लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की ज़्यादा शक्ति होती है प्राकृतिक चुंबक के मुकाबले, और ये मानव द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में खुद ही पाया जाता है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब जो हम अपना दूसरा देखेंगे, दूसरी परिभाषा, तीसरी, वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अब कोई भी चुंबक होती है हमारे पास, अब वो चाहे प्राकृतिक चुंबक है या कृत्रिम चुंबक है, किसी भी तरह की चुंबक है, उसके आसपास कुछ क्षेत्र होता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र। ये हर चुंबक का अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है चुंबक का साइज कितना है, वो किस मटेरियल से बनी हुई है, कृत्रिम चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है या कौन सी चुंबक है। तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा जिसके अंदर ये लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेगी, उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हम लोहे के टुकड़े को रखेंगे तो ये आकर्षित नहीं कर पाएगी। अब जो हम अपनी अगली परिभाषा देखेंगे वो है चुंबकीय बल रेखाएं।
चुंबकीय बल रेखाएं बेसिकली क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारी काल्पनिक है। जैसे कि हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे कोई भी चुंबक है, अब उसके चारों ओर कोई भी चुंबक होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होता है। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? कुछ जैसे हम लोहे का पार्टिकल रखेंगे, लोहे का टुकड़ा कोई भी इसके अंदर, तो ये अपनी ओर खींचेगी। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक लाइनें होती हैं जो कि डायरेक्शन दिखाती हैं कि ये लोहे के टुकड़े को कैसे आकर्षित करेगी। एक तरीके से डायरेक्शन होती हैं जो कि एक साइड से निकलती हैं दूसरी साइड में। अब किसी एक जैसे चुंबक हमारे पास है, कृत्रिम चुंबक, ये एक सीधी चुंबक होती है, कृत्रिम चुंबक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बार मैग्नेट भी कहते हैं। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, जो कि नॉर्थ पोल से निकल के जाती हैं साउथ पोल की तरफ। तो ये एक तरीके से डायरेक्शन दिखाती हैं कि इसमें चुंबक का जो प्रभाव होगा वो कहाँ पर कितना है। जहाँ पर ये रेखाएं होंगी वहाँ पर ही प्रभाव होगा इसका, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही रहेंगी ये रेखाएं, क्योंकि उससे बाहर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नॉर्थ पोल के जो पास वाला एरिया है और साउथ पोल के, यहाँ पर जो इनकी रेखाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है लोहे के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की, लोहे के कोई भी टुकड़ा है उसको खींचने की यहाँ पर ज़्यादा शक्ति होती है इसमें, बल्कि इसके मुकाबले के यहाँ पर या यहाँ पर। तो ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं ये बताती हैं कि किस चुंबकीय क्षेत्र में किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कहाँ से ये खींचेगी लोहे के टुकड़े को। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही होती हैं रेखाएं, ये हर हर चुंबक में होती हैं, कोई प्राकृतिक चुंबक हो या कृत्रिम चुंबक हो, किसी भी तरह के चुंबक हो, ये रेखाएं हम खुद बनाते हैं। हम ये इससे डिसाइड होता है कि चुंबक लोहे के टुकड़े को किस तरह से खींचेगी। अब जो हमारी अगली डेफिनेशन, अब हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, धारावाही कुंडली की बल रेखाएं, पांचवी हमारी जो अगली परिभाषा है। धारावाही कुंडली की बल रेखाएं, ये बेसिकली क्या है? धारावाही कुंडली, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये जो वर्ड इतना बड़ा लिखा हुआ है धारावाही कुंडली, इसका मतलब है कोई भी कुंडली है जिसमें कि करंट करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी कोईल है। जैसे कि हम नेल ले लेते हैं, आयरन नेल, लोहे की जो कील होती है, जैसे इसमें अगर हमने करंट पास करा, हम बाहर से करंट पास, तो इसके अंदर करंट जाने लग जाएगा। तो इसके आसपास जो होती हैं, इसके आसपास भी कुछ चुंबकीय लाइनें होती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। विद्युत चुंबक क्या होती है? विद्युत चुंबक इलेक्ट्रो, ये एक तरह की कृत्रिम चुंबक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब कि ये धारा के द्वारा बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोहे की जैसे कोई कील है, अगर हम उसमें करंट पास करते हैं, उसके ऊपर अगर वायर लपेटते हैं, वायर लपेटने के बाद जैसे हम उसमें करंट पास करेंगे बैटरी से, तो करंट पास करेंगे तो इसमें ना कुछ चुंबकीय रेखाएं बन जाएंगी जिसके चारों ओर, जो कि इसको एक चुंबक की तरह बना देंगी। जहाँ पर ये रेखाएं बन जाती है वो चीज़ एक चुंबक बन जाती है। तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसमें कुछ चुंबकीय लाइनें बन जाएंगी आसपास, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, मतलब कि ये विद्युतीय चुंबक है।
मैनमेड बनाई हुई है मानव द्वारा और विद्युत के जरिए बनाई गई है। इसमें चुंबकीय रेखाएं हैं, इसलिए इसको चुंबक कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, लेकिन क्वेश्चंस के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक और समझना पड़ेगा। ये अब तक जो हमने पढ़ा है, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी, छोटी छोटी परिभाषाएं थी जो कि याद होनी चाहिए, हमें बेसिकली पता होने चाहिए कि चुंबक क्या है, कहाँ से आई है, कैसे काम करती है, इस सब के लिए। अब हम जो अगला देखेंगे अपने न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चंस के लिए, वो अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में बल। अब कोई भी चुंबक है, उसके आसपास जो रेखाएं होती हैं, उसके आसपास जो कुछ क्षेत्र होता है, जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि लोहे के टुकड़े आकर्षित होते हैं। अब लोहे के टुकड़े कितने बल से आकर्षित होंगे इसकी ओर, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, वो हम देखेंगे। जैसे हमने इस पे कोई लोहे का टुकड़ा रखा, अब वो इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, कैसे आकर्षित करेगा, किसी बल से आकर्षित करेगा। अब वो बल कितना होगा, कितना स्ट्रोंगली, अब यहाँ पे रखेंगे, मैंने बताया था जैसे बार मैग्नेट में, यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा बल से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कम से, और यहाँ पे रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर तो करेगा ही नहीं। तो हम इस फोर्स को निकालेंगे, फोर्स होती कितनी है। तो इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में ये क्या क्या है, बी आई एल साइन थीटा, ये तो बल है, कितने बल से लोहे के टुकड़े को आकर्षित करेगी चुंबक, और बी है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि आई है इसमें करंट, ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट के, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की फोर्स निकाल रहे हैं, जो विद्युत चुंबक होती है वो कितनी फोर्स से खींचेगी किसी भी चीज़ की। विद्युत चुंबक में क्या होता है, करंट पर आई है, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है ये वो है, और भी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें कितनी शक्ति है, ये वो है बी इसकी, और जो साइन एल है वो है लंबाई, मतलब कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो है एल।